नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ टीवी पर और मैं हूं आपके साथ नेहानत। उत्तराखंड बीजेपी के संगठनात्मक चुनाव और पंचायत चुनाव में पार्टी की जीत के लिए छोटे कार्यकर्ताओं से लेकर विधायक, मंत्री और सांसद सभी को जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट की अध्यक्षता में प्रदेश मुख्यालय में आयोजित बैठक में गांधी संकल्प यात्रा, पार्टी कार्यक्रमों और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की समीक्षा सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने पार्टी की आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी। उत्तराखंड में सभी मंडलों के चुनाव एक साथ कराने का भी बीजेपी ने फैसला लिया है। मंडलों के चुनाव संपन्न होने के बाद जिले और प्रदेश के चुनाव कराए जाएंगे। इसके साथ ही गांधी संकल्प यात्रा को लेकर भी सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि 16 अक्टूबर से इस यात्रा की शुरुआत होगी। प्रदेश में इन दिनों त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहे हैं और इन चुनाव में पार्टी की जीत के लिए कार्यकर्ताओं को पहले से ही तमाम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। अब जिला पंचायत अध्यक्ष सहित अन्य पदों पर पार्टी कैसे मजबूत हो और पार्टी की जीत तय हो, इसके लिए इस बैठक में विस्तार से मंथन किया गया। सभी दायित्वधारी और पदाधिकारी, जिलों के पदाधिकारी, प्रभारी, सबकी ड्यूटी हमने लगाई है। सबको उनके क्षेत्र बांटे जा रहे हैं और उन्हीं को अपने क्षेत्र में जीत का दायित्व भी दिया जा रहा है, क्योंकि यही एक टीम है जो कोर ग्रुप जिसे हम कहते हैं, यही टीम चुनाव लड़ाती है, यही टीम सारे कार्यक्रमों को लागू करती है। इसलिए सारे जनप्रतिनिधियों को और पदाधिकारियों को, प्रभारियों को, जिला अध्यक्षों को हम इसमें सम्मिलित करके एक टीम बनाकर जो कॉमन काम करेंगे, सब लोग एक साथ मिलकर सामूहिक तरीके से काम करेंगे, ये जिम्मेदारी भी हमने आपने लोगों को आज यहाँ पर दी है। और अगला कार्यक्रम हमारा ये है कि स्थापना दिवस 9 नवंबर को हम मनाएंगे धूमधाम से। सरकार हमारी मनाएगी ही, सरकारी कार्यक्रमों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यक्रम भी, गोष्ठियाँ होंगी, कहीं पर हम लोग प्रभात फेरियाँ निकालेंगे और गाँव में बूथ स्तर पर हम लोगों को बताएंगे कि ये राज्य भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में इस राज्य का गठन हुआ है और इसमें हमें क्या करना है, राज्य की परिकल्पना क्या है, राज्य क्यों बना, राज्य बनाने की आवश्यकता क्या थी, आज हमको और कितने काम कराने हैं अपनी सरकार से और क्या क्या चीज़ें प्राथमिकता से हमको लेनी है, ये तमाम चीज़ों पर पार्टी भी अपने कार्यक्रम जारी करेगी। पार्टी भी इसमें पूरे जिला स्तर और बूथ स्तर तक, मंडल स्तर तक कार्यक्रम करेगी। इस तरह से ये बैठक आज बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें आपका सहयोग भी अनिवार्य है, अपेक्षी है।